शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम नायब सिंह सैनी आज करेंगे नामांकन। तो देखिए आज हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन है, कल होगी प्रत्याशियों के नामांकन की जांच। 9 मई तक नामांकन वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। तो हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन है आज। सभी 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। हरियाणा में करनाल विधानसभा के लिए उपचुनाव होगा। हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन है आज, 25 मई को मतदान होगा। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो आज हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन है आज। कल प्रत्याशियों के नामांकन की जांच होगी। बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कि हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन है आज और 9 मई तक नामांकन वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। सभी 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। तो करनाल विधानसभा के लिए उपचुनाव होगा। तो बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, करनाल उपचुनाव के लिए भी 25 मई को मतदान। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए नामांकन का आखिरी दिन है और कल प्रत्याशियों के नामांकन की जांच होगी। जी बिल्कुल साधना, देखिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज भी कई महत्वपूर्ण नामांकन जो है वो दाखिल किए जाने हैं। खासतौर पर बात करें तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल हैं, वे भी आज करनाल से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। करनाल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। और साथ साथ बात करें तो करनाल विधानसभा उपचुनाव भी होना है, जहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद किस्मत अजमाने उतर रहे हैं और वे भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और एक रैली को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जेजेपी की प्रत्याशी नैना चौटाला हिसार से अपने नामांकन दाखिल करेंगी। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण नामांकन जो है वो आज अंतिम दिन देखने को मिलेंगे। और सबसे बात यह है कि जो कल का दिन है वो स्क्रूटनी के लिए, यानी नामांकन पत्रों की जांच जो है वो कल होगी और 9 मई जो है वो नामांकन 9 मई तक वापस लिए जा सकेंगे। जो भी कवरिंग कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट होते हैं वे अपने नामांकन वापस ले सकते हैं, तो उसके लिए 9 मई की तारीख निर्धारित है, उससे पहले पहले वे ले सकते हैं। जी साधना, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मेरे जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। देखिए सीएम नायब सिंह सैनी आज नामांकन करेंगे, तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। करनाल उपचुनाव के लिए नामांकन भरेंगे।